सो हेलो एवरीवन, ये है हिंदुस्तान सिंह के क्वार्टर टू के रिज़ल्ट। तो यहाँ पर देखते हैं इस शेयर के रिज़ल्ट कैसे रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर इस शेयर के टोटल इनकम से। तो ईयरली बेसिस में यहाँ पर जो इनकम है वो 8,703 करोड़ थी, जो अब क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर 7,014 करोड़ यहाँ पर हो गई है। यानी क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर जो शेयर की इनकम है वो डिक्रीज़ हुई है। अब आगे हम इस शेयर के जो है टोटल एक्सपेंसिस को भी देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंसिस यहाँ पर 4,778 करोड़ थे, जो क्वार्टरली बेसिस में 4,709 करोड़ और यहाँ पर हो गए हैं। यानी इनकम के साथ साथ यहाँ पर जो है शेयर के एक्सपेंस भी डिक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। इस शेयर के टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को देख लेते हैं, तो 2,345 करोड़ इस शेयर का जो है ईयरली बेसिस में कॉम्प्रिहेंसिव इनकम था, जो अब क्वार्टरली बेसिस में 1,688 करोड़ यहाँ पर हो गया है। यानी कि इनकम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव सब यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। अर्निंग पर शेयर जो है यहाँ पे 6.34 रुपये था, अब जो है 4.09 रुपये यहाँ पर हो गया है। यानी ओवरऑल यहाँ पर जो शेयर के रिजल्ट है वो अच्छे नहीं रहे हैं। और जो शेयर का प्राइस है यहाँ पे 309 रुपये था, तो अब यहाँ पर और 315 रुपये के राउंड था, तो जो 309 रुपये के राउंड आ गया है। रिज़ल्ट अच्छे ना होने की वजह से फ़िलहाल के लिए तो अभी इस शेयर को आप यहाँ पर होल्ड करके रखिए। और इस मंथ में ही या नेक्स्ट वीक तक अगर आप इस शेयर को यहाँ पर सेल करना चाहे, तो यहाँ पर जैसे ही जो शेयर अप ट्रेंड का मूव करे तो आप इस शेयर को सेल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से होल्ड करने के लिए जो ये शेयर है अभी इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, और शॉर्ट टर्म के परस्पेक्टिव से अगर आप इस शेयर को सेल करना चाहे तो यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं।